तो वही हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा से खास बातचीत की है, सुनिए। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी दिल्ली दौरे पर हैं। हिमाचल प्रदेश की विकास संबंधित कार्यों को लेकर लगातार कैबिनेट मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। सर, कई जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई, गिरिराज सिंह की बात करें या फिर रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में बात की जाए, उनसे मुलाकात हुई, क्या क्या चर्चा रही सर? देखिए, हम एक सकारात्मक तरीके से अपनी सरकार को चलाना चाहते हैं और उसमें हम केंद्र सरकार से भी पूरा सहयोग और उनका आशीर्वाद चाहते हैं, क्योंकि हिमाचल छोटा सा राज्य है, छोटा सा प्रांत है और हमारे पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि हम बिना केंद्र के सहयोग के जो है वो आगे बढ़ सकें। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। हालांकि हम अपने स्तर पर भी काम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, मगर जितने भी हमारे विभाग से संबंधित मंत्रालय है, ग्रामीण विकास है और रोड सर्फेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उनके अधिकारियों से, मंत्रियों से मैं लगातार मिल रहा हूँ। पिछले कुछ दिन पहले मैं अनुराग ठाकुर जी से मिला जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, पिछले कल मैं गिरिराज सिंह जी जो हमारे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री है उनसे भी मिला, और गडकरी जी से भी मैंने समय मांगा है, मगर अभी वो अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर है, मगर उनके उनके मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से, IAS ऑफिसर जो है, उनकी सेक्रेटरी है, उनसे मैं मिला हूं। और जो भी हमारे कंसर्निंग मसले हैं, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के है, फोर लेनिंग के अंतर्गत है, नेशनल हाईवेज के है, एक्सपेंशन के है, बहुत से ब्लैक स्पॉट्स प्रदेश के अंदर जहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे कई दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पे बसें गिर रही है, लगातार गाड़ियों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उन एरिया को हमने आइडेंटिफाई किया है। तो वहाँ के लिए जो है आपकी जो ये रेलिंग लगती है एक्सीडेंट वाली, वो लगाने के लिए और भी जो प्रिकॉशंस किए जा सकते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है तो नई नई इनोवेशन हो रही है, तो उसके लिए भी हमने बजट मांगा है ताकि इस तरीके की दुर्घटनाएं हिमाचल में ना हो। सर, मैं जानना चाह रहा था कि KC वेणुगोपाल जी से, शिमला ग्रामीण से चूंकि आप विधायक हैं, काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव हो जाता है, प्रदेश में सरकार जो है कांग्रेस ने बनाई थी, किस तरीके की तैयारी चल रही है, कांग्रेस किस तरीके से खुद को मजबूत मान रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जो वादे पूरे किए जाने थे वो अभी तक नहीं हुए। जी बिल्कुल, हम पूरा कर रहे हैं, सब चीज़ों को पूरा कर रहे हैं। बजटरी प्रोविजन करवाया गया है, 1500 पेंशन की बात है, 1.5 लाख 2.5 लाख महिलाओं को देनी शुरू हो गई है, वैसे ही OPS हमने बहाल कर दी है, और भी जो विषय है, मुद्दे है, उस पर हम कार्य कर रहे हैं, चरणबद्ध तरीके से हर चीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सर, एक अंतिम प्रश्न, हिमाचल में G20 समिट जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समिट जो हिमाचल में होता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके से हिमाचल के लिए भी जो है ये खास हो जाता है, किस तरीके की तैयारी जो है? नहीं, महत्वपूर्ण है, G20 की कप्तानी जो है वो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 1 साल तक भारत के पास है और हमारे लिए बहुत गर्व का पल है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में देश के कोने कोने में जो है वो अलग अलग डेलीगेट्स आ रहे हैं, वैसे ही हिमाचल में भी जो साइंस फोरम है, साइंटिफिक जो रिसर्च होनी है उसका एक, उससे उस संदर्भ में एक डेलीगेशन आ रहा है और कई कंट्रीज के उसमें पार्टिसिपेंट्स भी होंगे और हमारे यहाँ से भी, दिल्ली से भी कई पार्टिसिपेंट्स उसमें होंगे, तो अच्छा है, हिमाचल को शोकेस करना ऑन इंटरनेशनल लेवल बहुत आवश्यक है और आने वाले समय में निश्चित तौर से इसका लाभ जो है वो हिमाचल की राजनीति को और हिमाचल के लोगों को मिलेगा। तो ये हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे तमाम मसलों को लेकर। कैमरामैन ललित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।